इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय भाई हमारे कांगड़ा चंबा संसदीय सीट से हमारे उम्मीदवार और हिंदुस्तान की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा माननीय श्री आनंद शर्मा जी, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आनंद शर्मा जी ने इस क्षेत्र को चुनाव लड़ने के लिए चुना और इतनी वरिष्ठता है इनके पास, इतनी वरिष्ठता है, 50 साल का राजनीतिक अनुभव और कैरियर तो साथ में है ही, लेकिन अगर आप दो चेहरों में तुलना करेंगे, एक भाजपा का चेहरा और एक कांग्रेस का चेहरा, कांग्रेस का जो चेहरा है जब यहां से आप द्वारा चुन के भेजा जाएगा तो पार्लियामेंट की पहली कतार में बैठेगा, पहली कतार में बैठने वाला नेता, और दूसरी तरफ वो नेता जो आखिरी बेंच पे बैठेगा, कांगड़ा को फैसला करना है पहली कतार में बैठने वाले को वोट डालनी है या अंतिम बेंच पे बैठने वाले को वोट डालनी है। ये वो नेता जिसे कि जब आप चुन के भेजेंगे मंत्रियों के आकार का बड़ा बंगला मिलेगा और दूसरी तरफ 8 महीने 10 महीने हाउसिंग कमेटी के चक्कर लगा रहा होगा कि मेरे को भी कोई फ्लैट दिखाओ। ये चेहरों में तुलना जिन्होंने सारी जिंदगी जो है रिप्रेजेंट किया है हिंदुस्तान को, यहां पे मैं देख रहा था कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अभी तो हमने छेड़ी भी नहीं दास्ता, अभी से आपकी आंख में आ गए आंसू, अभी तो शुरुआत हो रही है। इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, अगले 21 दिन में देखो होता क्या। ये तो अभी आपकी धरती पे पांव धरा है। एक तरफ वो चेहरा जिसके बारे में कहा जा रहा कि कौन खड़ा, जी शांता जी का कोई नजदीकी आदमी है। एक तरफ वो चेहरा अमेरिका के राष्ट्रपति को भी जाके पूछ लो कि आनंद शर्मा कौन है, एकदम से बताएंगे कि कौन है। मुझे लगता है कि आज दिन तक ये 150 देशों में तो भ्रमण कर चुके होंगे, 150 देशों के साथ तो बातचीत कर चुके होंगे, नेता रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए। और मुझे इस बात से कोई नहीं है, यहां मुख्यमंत्री भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं और मंत्री भी बैठे हैं। आज भी हिमाचल प्रदेश की राजनीति का अगर कोई वरिष्ठतम चेहरा है वो आनंद शर्मा है। और बहुत कुछ इन्होंने हिमाचल के लिए किया। हमारी नेता विक्रम ठाकुर जी यहां पे बैठी हुई हैं, आशा कुमारी जी यहां बैठी हुई हैं, हमारे मंत्री चंद्र कुमार जी बैठे हुए हैं, गोमा जी बैठे हुए हैं, हमारे सारे एमएलए पीछे आ रहा था बार बार कि सुखू जी के पीछे 9 ग्रह पड़े हुए हैं। और मैंने कहा कि ये जो बाकी 9 लखा हार भी तो साथ में है जो ये 9 बैठे हुए हैं। मारने वाले से बचाने वाला कहीं ज्यादा। और मैं इन 9 के 9 एमएलए को सलाम करता हूं कांगड़ा की धरती ने जो ये 9 एमएलए दिए, जिस ढंग से इन्होंने पार्टी का साथ दिया और चट्टान की तरह खड़े रहे। ऑपरेशन लोटस विफल करने वाले एक कांग्रेस पार्टी के ये 9 सिपाही आज भी आपकी सभा में बैठे हुए हैं। और ये नेता, ये सब लोग ताकत लगाएंगे और आनंद शर्मा जी को जो है सीधा दिल्ली का टिकट कटा के देंगे, यहां से सीधा दिल्ली। दोस्तों हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं थोड़ी छोटी।
बात कि यहां पे ऑपरेशन लोटस प्लान किया गया कि सुखविंदर सिंह सुखू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को तोड़ना है और बीजेपी के लोगों ने जयराम जी के दिल में आ गया कि हो सकता है मैं रात के अंधेरे में फिर से मुख्यमंत्री बन जाऊं। लालच बुरी बला है और जयराम जी ने प्लान किया, षड्यंत्र किया गया हिमाचल प्रदेश की सरकार के खिलाफ और एक राज्यसभा की सीट में 9 लोगों ने बीजेपी को वोट डाल दिया। नए लोग भी उनमें से गए हुए थे, नए एमएलए भी थे। एक था एमएलए बनना वैसे ही बड़ी मुश्किल बात है। मैं 5 दफा एमएलए बन गया लेकिन मैं अपने लोगों से बहुत डरता हूं। मेरे को कोई के बीच में छोड़ के चुनाव लड़ ले मैं कहता हूं एक ही बार बहुत। इनको पता नहीं किसने कह दिया कि द्वारा चुनाव में जाओगे बहुत हीरो बन के आओगे। और इन्होंने राज्यसभा में वोट डाल दिया बीजेपी को। इनको पता नहीं लगा कि अगले ही दिन कुलदीप सिंह पठानिया ने आदेश कर दिए कि आपके पहले तो इनको अगर विधानसभा में जाके स्पीकर की शक्तियों का अध्ययन करना चाहिए था, पता होना चाहिए था कि स्पीकर क्या चीज होता है। और स्पीकर ने कह दिया कि आप विधानसभा में नहीं आ सकते। इन्होंने कहा स्पीकर क्या होता है, हम देश की सबसे बड़ी अदालत लोकसभा में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उन्होंने कहा कि हिमाचल का स्पीकर तो बड़ा लड़नड़ आदमी लगता है, ऐसा इस फैसले को तो पढ़ता नहीं जा सकता, इस फैसले को तो पढ़ता नहीं जा सकता। और उनको कहा कि भाई जो फैसला स्पीकर ने दिया हम भी उसी पे कायम है, विधानसभा में नो एंट्री, सुप्रीम कोर्ट में नो एंट्री और फिर आगे जनता की अदालत में। अब जनता कह रहे नो एंट्री, हर तरफ कह रहे, जहां भी जा रहे 6 की 6 सीटों पे हर जगह यही हो रहा है नो एंट्री। वो 6 तो गए, अभी 3 जो है मेरे को लगता है वैसे तो स्पीकर साहब का अधिकार है, हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि स्पीकर का अधिकार है और वो 3 भी मुझे लगता है तैयार ही है का। तो आपके सामने स्थितियां बड़ी साफ है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा 66 का हाउस है, हम 34 एमएलए हैं, हमें 35 करने के लिए 1 एमएलए चाहिए, वो 25 है, उनको 35 करने के लिए 10 चाहिए। इलेक्शन 9 का हो रहा है, इलेक्शन 9 का हो रहा है, अभी 6 का और अगर बाद में 3 का भी आ जाए तब ले देके हमारी सरकार पूरी ठोक बजा के जो है 60 महीने चलेगी। 60 महीने हमारी सरकार चलेगी, 15 महीने निकल के अगले 45 महीने हमारी ही सरकार होगी। और ये जो 9 लखा हारे ये बड़े पावरफुल लोग हैं सारे, इन सबसे बना के रखो 45 महीने के लिए, जहां कहते वोट जाके हाथ के पंजे पे लगा के आ जाओ, ठगा ठक ठगा ठक ठगा ठक जल्दी से। और ऊपर से अनंत शर्मा जैसा रिप्रेजेंटेटिव आपको मिल गया, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कल देख रहा था नड्डा जी कह रहे थे मंडी में थे, कह रहे थे कि मंडी में मैं रेल पहुंचा दूंगा, मैं मंडी में हवाई जहाज पहुंचा दूंगा। मैंने कहा यही कहता हुआ तो जयराम बाहर चला गया, यही कहता था कि मंडी में हवाई अड्डा बनेगा, मंडी में रेल पहुंचेगी, कुछ नहीं हुआ। और जयराम का तो आपको पता ही है, इन दिनों जयराम की स्थिति आपको मालूम है। प्रतिपक्ष के नेता हैं, सवेरे से शाम तक कंगना को इंट्रोड्यूस करते फिर रहे हैं, ये कंगना। यही चल रहा है सारा दिन। और जैसे ही आनंद शर्मा जी का कैंडिडेचर डिक्लेयर हुआ, देखो मैंने तो इनकी कार्यशैली देखी है, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था, ये कॉमर्स मिनिस्टर थे,
और मैं इनके पास गया, मैंने कहा कि ऐसा है कि आप केंद्र में वजीर हैं और हमें जो है दो इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए, और इन्होंने उसी वक्त 300 करोड़ रुपया जो है मुझे जारी कर दिया। 300 करोड़ रुपया एक कंदरोड़ी का इंडस्ट्रियल एरिया इन्हीं की देन है, जहां पे अभी पेप्सी का कारखाना भी आ रहा है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो इनके पैसे से बना है, इन्होंने दिया। और जो ऊना में पंडोका का इंडस्ट्रियल एरिया बना है वो भी इन्होंने दिया। एक दूरदर्शी सोच रखने वाला नेता आपको जो है मिल रहा है, और आपको अगले 21 दिन 22 दिन जितने दिन हैं आपको इनको समर्पित करने हैं। देश का कोई राजनीतिक घराना ऐसा नहीं है जो इनको ना जानता हो, देश का कोई औद्योगिक घराना ऐसा नहीं है जो इनको नहीं जानता हो। ऐसे व्यक्तित्व से परिपूर्ण हिमाचल में जितने भी ये बड़े फैसले हुए थे, जब IIT आई थी, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई थी, जब IIM आया था, जब NIFT आया था, तब यही केंद्र में वजीर हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। अगर चाय बगानों के लिए कोई फैसला किया तो आनंद शर्मा ने किया था। पालमपुर में अगर वहां पे ऑफिस खोले गए तो इन्होंने किया था। अब आशीष पटेल की जिम्मेवारी है कि उसको लौटाना कैसे है। मिलिंदर राजन को देखना है कि कंदरोड़ी में इंडस्ट्रियल एरिया बना तो लौटाना कैसे। ये हमारे सब जितने भी MLAs हैं, और सबसे ज्यादा यहां पे हमारी MLAs की फौज है, आप सब जितनी संख्या में यहां पे आए, कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, शुरुआत हो चुकी है, और सिर्फ अनंत शर्मा जी के गांव और ग्रामीण इलाकों में पहुंचने की बात है। जैसे जैसे ये पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे ये चुनाव लहर में परिवर्तित होता जाएगा। ये मेरा मानना है कि जैसे ही ये आगे जाएंगे आगे बढ़ेंगे, आप सब लोगों को पूरी ताकत से, और हिमाचल प्रदेश की सरकार जिसने की हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को OPS दी, उस वक्त दी जबकि मोदी जी ने इनकार कर दिया कि OPS नहीं दी जा सकती। ओल्ड पेंशन स्कीम इनकार किया सेंटर ने, जयराम ने कहा कि मोदी जी ने इनकार कर दिया नहीं दी जा सकती। हमने 1,36,000 कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार दिया। मुझे कल परसों एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिली, रिटायर्ड थी, मुझे कहती कि मैं स्टूडेंट थी, मुझे 4,000 पेंशन लगी थी, OPS के बाद मेरी पेंशन 50,000 रुपया हो गई। एक अन्य व्यक्ति जो कि पेंशन ना मिलने की वजह से ओल्ड एज होम में रह रहे थे, उनके बच्चे उनको वापस लेने आ गए, कहते पिताजी घर चलो, आप तो बहुत काम की चीज है, आपको जो है 50,000 पेंशन लग गई, आप तो हमारे लिए बहुत आदरणीय है, वो पेंशन किसने दी आपको। और मैं हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को कहना चाहता हूं, दिन रात एक कर दो, क्योंकि ये कोई और दे नहीं सकता था, और हम आपको अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से दी, हम विधानसभा में कानून पास करके भी इसको जो है कायम रखेंगे वो पेंशन। और आप देखो, हमने महिलाओं को 1500 रुपया प्रॉमिस किया था, जैसे आनंद शर्मा जी ने बताया कि बीच में त्रासदी आ गई, 4500 करोड़ रुपया हमें वहां खर्च करना पड़ा, थोड़ी सी देरी क्या हुई, इन्होंने शोर मचा दिया, लेकिन अब हमने जैसे ही वो पेंशन की नोटिफिकेशन जारी की, सारी भाजपा चुनाव लोगों के दफ्तर में पहुंच गए कि जी इनको पेंशन देने से रोका जाए। भाई कितने दिन रोक लेंगे आप? ये महिलाओं के खाते में 1500 रुपया जाएगा, हर महिला के खाते में जाएगा, इसलिए मैं महिलाओं से भी कहना चाहता हूं, कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूं, और हमारे यूथ से मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, सबसे ज्यादा भर्तियां मेरे डिपार्टमेंट में हो रही है, फटाफट कांग्रेस को ठकाठक कर दो। सबसे ज्यादा पानी विभाग में जितनी वैकेंसीज निकल गई हैं, जून जुलाई महीना आपके ही नाम है, ट्रांसपोर्ट में भी जितनी भर्तियां निकली हैं वो भी आपके ही नाम है, तो इसलिए जो है हमारा साथ दो, आप सरकार
सरकार ये कहीं नहीं जाने वाली, सरकार को कुछ नहीं होने वाला। हमारे ये देखिए ऐसा है कि मेरा आप सबसे यही आग्रह है, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि आनंद शर्मा जी जब आ गए हैं इनकी गाड़ी चल पड़नी है, बड़े रफ्तार से चलनी है। जिस जिसने चढ़ना है चढ़ जाओ, सारे चढ़ जाओ, इस गाड़ी पे सवार हो जाओ। बड़ी सेफ गाड़ी है, बड़ी सुरक्षित गाड़ी है और इस समय तो आपको बिना टिकट के चढ़ा रहे हैं। चढ़ जाओ, चाहे सीट मिल रही है नहीं मिल रही है, बैठ जाओ, छत पे चढ़ जाओ, जहां भी जगह मिलती है चढ़ जाओ, क्योंकि ये गाड़ी बड़ी रफ्तार से जाएगी और अपने साथ जैसे कह रहे हैं कि ट्रेन आएगी, एयरपोर्ट का विस्तार होगा या दूसरे जो है। कांग्रेस ने कांगड़ा के लिए बहुत कुछ किया, ये विधानसभा जो है कांग्रेस ने स्थापित की थी, हमारे नेता वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ पे विंटर मूव शुरू किया और उसके बाद दफ्तरों को लाने का काम यहाँ पे शुरू हुआ। बहुत बड़ा गहरा रिश्ता कांग्रेस पार्टी का आपसे है और ये शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने आप पे ऐसी मेहरबानी की है कि अनंत शर्मा जी के रूप में ऐसा कैंडिडेट आपको दिया जो कि आने वाले समय में इस इलाके की पूरी दशा और दिशा बदल देगा और हमें जो है बहुत बड़ी मदद दिल्ली में मिलेगी और दिल्ली में इनकी जो है आवाज, दिल्ली में इनकी आवाज की बहुत बड़ी वैल्यू है। मंत्री और फिर उपनेता रहे, राज्यसभा में उपनेता रहे, आपके पास तो बड़ी देर से आए हैं, जो मुकाम ये जिंदगी में हासिल कर चुके हैं, गांधीयन थॉट से जुड़े हुए, जिनके हर कमरे में गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, फोटो लगी हुई है, वो शख्सियत आज आपके बीच में आई है। आप इनका साथ दें, खुले दिल से दें, कुछ नहीं मिलेगा बीजेपी का साथ दे के, कुछ नहीं मिलेगा, कोई नहीं पहचानेगा कौन है वो, किधर से आया, कहां जा रहा है। इधर अनंत शर्मा जहां निकलेगा वहीं लाइन लग जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मालूम ही है जैसे कि यहाँ से धर्मशाला से हमने जग्गी जी को उम्मीदवार बनाया है, ये हमारे पूर्व में हमारे मेयर रहे हैं और पार्टी के साथ निष्ठा से जुड़े रहे हैं, देर पके लेकिन बिल्कुल आपके सामने ठोक बजा के पार्टी ने आपके सामने पेश किया है। आप इनका साथ दें, इनको विधानसभा में पहुंचाएं। जैसे मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने विधानसभा छोड़ी है वो तो मेरे ख्याल जिंदगी को ही कोस रहे होंगे कि ये हुआ क्या, और इन लोगों का किस्मत में कहीं लिखा होगा कि 15 महीने के बाद आपका नंबर लगना है, तो इन लोगों का नंबर लग गया है। इन लोगों को विधानसभा की चौखट पार करनी है। आप सब लोगों के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में 6 नए विधायक कांग्रेस के एंटर होंगे और कांग्रेस की सरकार आपकी सेवा करेगी, हर तरह का जो हमने वायदे किए हैं उसको पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये अनंत जी के आते ही सारे कहने लग पड़े, ये हॉट सीट हो गई, हॉट सीट, तो आप समझ सकते हैं कि क्या शख्सियत है। इस शख्सियत के साथ जुड़ते जाओ और यहाँ से अनंत शर्मा जी को दिल्ली दरबार में भेजो, बाकी सब काम जो है आपके हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी और बाकी जो दिल्ली दरबार